what is the difference between two sentences? I'm going to write here, guys, just in front of you. See here. I saw him. I saw him fighting. And now I'm going to write another sentence, and that is, I saw him fight. I saw him fighting, and I saw him fight. What is the difference? Both are right. Both sentences are correct. Neither of them is wrong. I saw him fighting. I saw him fight. Many of you have that confusion. I know that. So very first sentence in which we see ing form, gerund form or action plus ing form. This is telling us that when I saw him, he was still doing that. यानी कि जब आपने उसे देखा तो वो लड़ रहा था, यानी कि एक्शन पूरा नहीं हुआ था लड़ाई वाला. सो यहां पे हमारा जो एक्शन है दैट इज इनकम्प्लीट. इनकम्प्लीट एक्शन. लेकिन जब दूसरे इंसान ने सेंटेंस बोला है या मैंने दूसरा सेंटेंस बोला आई सॉ हिम फाइट, इसका मतलब ये है कि मैंने ये पूरा एक्शन देखा, यानी लड़ाई को मैंने पूरा देखा. आई सॉ द कंप्लीट एक्शन. आई सॉ द कंप्लीट एक्शन. तो जब हम कंप्लीट एक्शन को देखते हैं तो हम क्या करते हैं, उसमें हम किसी भी सेंटेंस के साथ फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं. और जहां हम पूरा एक्शन नहीं देखते, जो प्रोग्रेस में ही होता है, तो वहां हम आईएनजी का यूज करते हैं. ध्यान दीजिए, एक सेंटेंस और लेते हैं. आई हर्ड हिम टॉकिंग टू रिया. आई हर्ड हिम टॉकिंग टू रिया, यानी मैंने उसे सुना और वो क्या कर रहा था, वो रिया से बातें कर रहा था, यानी कि रिया से उसकी बात हो रही थी उस समय. लेकिन अगर इस सेंटेंस में ऐसे बोलता आई हर्ड हिम टॉक टू रिया, इसका मतलब ये है कि मुझे पता है रिया से उसने बातें की थी, यानी कि बातें हो चुकी है पूरी और आपने पूरी बातों को सुना, तब आप ये बात बोलते हैं आई हर्ड हिम टॉक टू रिया. यानी यहां पे हम एक्शन की फर्स्ट फॉर्म यूज कर रहे हैं, यहां पे हम आईएनजी का यूज कर रहे हैं. चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं हम. मान लीजिए आप ये दुकान में खड़े हैं कुछ खरीदने के लिए और एक और लड़का आता है आप ही के सामने, और दुकान में जैसे दुकानदार सामान लेने जाता है वो ड्रॉर खोलता है चुप से और उसमें हाथ अपना डाल देता है, और किसी ने आपको वहां से बुला लिया, आप वहां से चले गए. अब आपने क्या एक्शन को पूरा होते हुए देखा? जी नहीं. तो आप बोलेंगे I saw a boy stealing something. I saw a boy stealing something. मैंने एक लड़के को कुछ चुराते हुए देखा. लेकिन यहां पे आपने एक्शन को पूरा नहीं देखा, लेकिन आप वहीं खड़े रहते और वो आपके सामने कुछ पैसे निकाल के अपनी जेब में रख लेता, और दुकानदार जैसे ही वापस आता सामान लेके, आप दुकानदार को बताते कि सर मैंने इसे अभी आपके दुकान में चोरी करते हुए देखा. तो यहाँ पे चोरी पूरी हो चुकी है क्योंकि वो जेब में पैसे रख चुका है. अब ध्यान दीजिए सेंटेंस कैसे बनेगा. अब वो दुकानदार से कहेगा आई सॉ हिम स्टील द मनी फ्रॉम द ड्रॉअर. I got it or not? I saw him steal the money from your drawer. तो यहां पे आपने देखा अंतर कि जब हम इस तरह सेंटेंस बनाते हैं I saw him fighting, I saw him fight, I heard him talking, I heard him talk, I saw a boy stealing and I saw him steal. तो इन सारे सेंटेंसेस में क्या अंतर है? अगर समझ में नहीं आया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, so that I can make another video in detail. और इसके अलावा अगर आपको ये टॉपिक समझ में आ गया है तो एक सेंटेंस में आपको दे रहा हूं,
आपके पास है 5 सेकेंड्स, ये सेंटेंस आप बनाइए कमेंट सेक्शन में। मैंने उसे दौड़ते हुए देखा पार्क में।